बलरामपुर थाना कोतवाली देहात अंतर्गत नकली कूटकृत सोने के बिस्किट के साथ सात अभियुक्त गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 10 अदद नकली कूटकृत सोने के बिस्किट, प्रत्येक 100 ग्राम व 1 अदद वाहन टाटा टियागो संख्या UP 47V 4307 व नकदी कुल 1135 रुपये बरामद। पुलिस अधीक्षक श्री केशव कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाई जा रही अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी नगर श्री ब्रजनंदन राय के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात श्री दुर्गेश कुमार सिंह के नेतृत्व में दिनांक 12/1/2024 को थाना स्थानीय पर उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक श्री उपेंद्र यादव, अखिलेश चौधरी, सर्वेश कुमार व SOG टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गण को अचलपुर फुलवरिया बाईपास थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर महोदय के कुशल निर्देशन में जनपद की पुलिस ने अपराध और अपराधियों पर लगातार कार्य कर रही अच्छा कार्य। आज सुबह स्वाट टीम प्रभारी और थाना कोतवाली देहात की पुलिस सुबह अपराध एवं अपराधियों के गिरफ्तारी से संबंध में बातचीत कर रहे थे, तभी एक मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ टप्पेबाज अचलापुर वाले रोड पे खड़े हैं और वो किसी को ठगने जाने के फिराक में है, आपस में चर्चा कर रहे हैं, मैंने ऐसा सुना है। इस सूचना को तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने उनका पीछा किया तो पुलिया के पास एक सफ़ेद टियागो गाड़ी में कुछ लोग मिले, कुछ लोग बाहर खड़े थे, कुल 7 लोग थे। इनको तलाशी ली गई तो इनके पास सोने के बिस्किट मिले जो एकदम असली जैसे ब्रांडेड मुहर लगे हुए थे। इनसे पूछताछ किया गया तो बताया कि साहब हम लोग यही करते हैं कि किसी को लालच में लेके इसको असली का भ्रम दे के उससे पैसे लेके ठग लेते हैं हम लोग। इनका आपराधिक इतिहास की देखा गया तो इसमें से 2 अभियुक्त पहले भी ठगी के मामले में जेल जा चुके हैं और शेष का अभी सर्च किया जा रहा है। चूँकि अपराध ये गंभीर है, संगीन है, इनको तत्काल गिरफ्तार किया गया और इन पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए न्यायालय भेजा जा रहा है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।